आल्टो न्यूज चैनल दे तुहाडा स्वागत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 6 प्रोजेक्टां नूं अमली जमा पहनाउण दे विच होए कामयाब, ये खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। जे तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकॉन भी दबा लो। अज भारतीय जनता पार्टी जिला बटाला दे जिला प्रधान हीरा वालिया जी की अगुवाई दे विच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दे बटाला विखे लगातार दूसरे दिन आगमन ते कल जिन्ना प्रोजेक्टां बारे उन्हां नूं जानकारी हीरा वालिया द्वारा दिती गई सी, उन्हां नूं अमली जमा पहनाया गया। उन्हां द्वारा बटाला दे 6 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डिफेंस रोड मुर्गी मल्ला, दूसरा बरादरी, तीसरा अचल साहब तो बटारा शहर तक 2 मार्गी सड़क, चौथा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, पंजवां डेरा बनानक रोड दे रेलवे फाटक का अंडरपास बनाउणा, 6वां फतेहगढ़ चूड़िया विधानसभा दे विच अमृतसर तो डेरा बनानक रोड नूं 2 मार्गी करना ते इसका नाम गुरु नानक पार्क रखना। इन्हां सारिया थावां ते जाके मंत्री जी ने जायजा लिया ते संबंधित महकमियां नूं मौके ते ही जानकारी पहुंचा के यकीन दवाया कि ये काम कुछ समय दे विच ही बटाला वासियां नूं पूरे कर दिते जाणगे। इस मौके हीरा वालिया ने खुद मंत्री जी नूं इकली इकली जगह का दौरा करवाया। जिक्रयोग है कि जिला प्रधान ने कड़ी मेहनत नाल इन्हां प्रोजेक्टां दीआं फाइलां तैयार करवा के मंत्री जी दे सपुरद कीतीआं हन ते उन्हां दे काम हुण शुरू भी हो चुका है। इस मौके प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर, पंजाब भाजपा मेंबर, जिला मेंबर, मंडल अते मोर्चियां दीआं टीमां अते मेंबरां ने भारी संख्या दे विच शिरकत कीती। तुसी देख रहे हो करमजीत जांबा दे नाल अनीता बेदी दी बटाला तो एक खास रिपोर्ट। देखिए मैं बटाला में परसों भी आया था, हमने एक मीटिंग ली थी कल परसों हम रवाना हुए तो कल हम आए थे बटाला, तो कल हमने एक मीटिंग ली थी बटाला में हमारे मेरे ख्याल में इंदर शेखड़ी जी का मीटिंग ली थी। वहाँ ये विषय आया कि महाराजा रणजीत सिंह जी के सुपुत्र शेर सिंह जी यहाँ रहते थे, तो ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बारादरी करके जगह है। मैंने आज इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि उसमें इंटरप्रिटेशन का विषय है कि जो मॉन्यूमेंट होता है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वो दूर है, और जो उन्होंने ये दीवार बनाई है इससे 100 मीटर की दूरी जिसको कह के प्रोहिबिटेड एरिया कहेंगे वो नहीं होता है जी, वो मॉन्यूमेंट से होगा। इसलिए यहाँ के आसपास जो लोग हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया हमारे मॉन्यूमेंट से ही माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 100 मीटर के बाद 200 मीटर वो रेगुलेटेड एरिया है जो एज पर एक्ट है। फिर भी हम इसमें संशोधन भी बहुत जल्दी कर रहे हैं, ऑल इंडिया से हमें इसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, तो हम नागरिकों को सुविधा देने के लिए हैं, उनको दुविधा उत्पन्न करने के लिए नहीं है। मॉन्यूमेंट भी संरक्षित रहे और नागरिकों को परेशानी नहीं हो, ऐसा बैलेंस बना करके हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।